मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें और शेयर करें। मेरी नई वीडियोस देखने के लिए बेल के बटन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लाइवली स्किल्स। व्यूअर्स, आज मैं आपको इमली की मीठी चटनी की रेसिपी दे रही हूँ। बहुत सिंपल रेसिपी है, मगर इस रेसिपी से बहुत मजे की चटनी तैयार होती है। इस चटनी को आप दही बड़े और चना चाट के साथ खा सकते हैं, मुख्तलिफ फ्राइड चीजों के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। रमजान से पहले आप इसे बनाकर रख लीजिए और पूरा रमजान इससे एंजॉय कीजिए, या आप फ्रिज में रखें, फ्रीजर में रखें, ये दोनों में रहेगी और खराब नहीं होगी। जी व्यूवर्स, इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने इमली ली है 400 ग्राम, चीनी 1 किलो ली है, 1 टेबल स्पून नमक लिया है और 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें ली हैं। सबसे पहले मैं इमली से उसका पल्प बनाने के लिए इसको गर्म पानी में डाल रही हूँ, 3 से 4 ग्लास पानी लेकर। और ये 400 ग्राम इमली आप इसमें डाल दें और चूल्हे की तेज आंच पर इसको पकाएं जब तक उबाल नहीं आ जाता। उबाल आने पर आप इसको आंच को हल्का कर दें और इमली को पकने के लिए रख दें। दरमियानी आंच पे ये 15-20 मिनट पकेगी और पक पक के इसका पानी रिड्यूस हो जाएगा और इमली का गूदा हमें मिल जाएगा। जी व्यूअर्स, उबाल आ गया है, अब मैंने इसकी स्पीड कम कर दी है। इमली को मैंने चमची की मदद से थोड़ा थोड़ा तोड़ा है मसल मसल के। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसका पल्प निकल आया है। अब मैं इस पल्प को थोड़ा ठंडा करूंगी। जी व्यूअर्स, पल्प ठंडा हो गया है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया है और अब मैं इसमें से निचोड़ चोड़ के तमाम गुठलियों को निकाल लूंगी और एक दूसरे पानी में डालूंगी, थोड़े से, आधा कप पानी है। जी व्यूअर्स, अब ये अमल मैं दोहराऊंगी, इसमें से भी मैं गुठलियों को निकाल लूंगी ताकि मुकम्मल तौर पे हमारी गुठलियों में से पल्प निकल आए। जी व्यूअर्स, पल्प निकल आया और अब इसको मैं एक मोटे दानों वाली छन्नी में छान रही हूं ताकि जो कूड़ा और मोटे छिलके हैं वो इसी में रह जाएं और एक प्योर पल्प हमें मिल जाए। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल निकाल लिया और ये इसका कूड़ा फेंक दिया है। अब इसको वापस मैं उसी पतीली में डाल रही हूँ, उसी पैन में, और ये मैंने 1 किलो चीनी भी इसमें डाल दी है। अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी, तेज आंच पर इसको जोश देना है और ये नमक और मिर्चें भी इसमें शामिल कर दी है। ये पक पक के थोड़ा रिड्यूस हो गया, मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ और इसको मजीद थोड़ा सा पकाऊंगी। ये व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ऐसा ऐसा ये पक रहा है और गाढ़ा होता जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा मजीद गाढ़ा करना है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। जैसे ये कि ठंडा होने के बाद दुगना गाढ़ा हो जाता है, लिहाजा पहले से ही देख लें कि कितना गाढ़ा आपको चाहिए। अब मैं इसे थोड़ा सा और पका रही हूँ, आप देख सकते हैं कि खासा गाढ़ा हो गया है ये, आप इसको चेक कर लें। इसको आप 2 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, 2-3 मिनट के लिए, कितना ही फ्रिज में रख के गाढ़ा हो जाता है। जी व्यूअर्स, हमारी मजेदार इमली की चटनी तैयार है, आप देख सकते हैं कि ये कितनी गाढ़ी है। जी व्यूअर्स, उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप लोग जरूर ट्राई करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, Lively Skills.